गोविंद एम्प्लॉयज पेंशनर फैमिली पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट खबर सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें एम्प्लॉयज अड्डा यूट्यूब चैनल को, ताकि लेटेस्ट गोविंद अपडेट से हम आपको अवगत करा सकें। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की इस वीडियो के अंदर 2016 से पूर्व रिटायर पेंशन भोगियों की पेंशन रिविजन की लिस्ट जारी की गई है। 3 अक्टूबर 2019 को लेटेस्ट 7th CPC पेंशन रिविजन लिस्ट यहां पर जारी की गई है। लगभग 5 लाख पेंशनर फैमिली पेंशनर के PPO इशू किए गए हैं, जो कि पेंशन विभाग ने लिस्ट जारी की है उसमें दर्शाया गया है। तो वीडियो के माध्यम से जानेंगे किस विभाग के किन पेंशन भोगियों के कितने PPO इश्यू हो चुके हैं, कितने पेंडिंग हैं, और किस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन रिवाइज हुई है या फिर नहीं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए आज के हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है MIS रिपोर्ट ऑफ 7th CPC रिविजन इन डिफेंस सिविल पेंशनर फैमिली पेंशनर, जो कि 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई है। और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, टोटल जो सिविलियन पेंशनर फैमिली पेंशनर जो कि एज ऑन 1 जनवरी 2016 जो उनका डाटा दिया गया है बैंक या DPDO स्क्रोल से, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और जो प्रोग्रेसिव PPO इश्यूज हुए हैं, इश्यूड कर दिए गए हैं सिम्युलेटर रिवीजन की हेल्प से, वो अलग टेबल में यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो टोटल यहाँ पर पेंडिंग जो है वो भी यहाँ पर दिखाए हैं, और रिमार्क भी इन्होंने यहाँ पर अपने दिए हैं। तो अलग अलग यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम के हिसाब से आप देख पा रहे हैं, फैक्ट्रीज, ऑर्डिनेंस, डिपोर्ट, MES, EME, CO, मिलिट्री फार्म्स, DGI, RND, नेवी, एयरफोर्स 12, GREF, DAD, और जो भी यहाँ पर हमारे आपको ऑफिसर हैं, NCC, MNS लोकल, कोस्ट गार्ड या ASC, इन सब की यहाँ पर MIS रिपोर्ट इन्होंने दी है। तो आप लास्ट में यहाँ पर देखेंगे, टोटल यहाँ पर जो डाटा दिए गए हैं 5,29,133 डाटा हैं, जिसमें से PPO जो इश्यूड हुए हैं शू मोटर रिविजन की हेल्प से 4,55,027 के हो चुके हैं। 729 केस यहाँ पर पेंडिंग है। तो यहाँ पर जो लिस्ट जारी की गई है ये 3 अक्टूबर 2019 तक की जारी की गई है, और इनमें यहाँ पर इन्होंने बताया है कि शिवमोटा पेंशन रिवीजन की हेल्प से EPPO जनरेट कर दिए गए हैं पेंशनर फैमिली पेंशनर, जो कि 1 जनवरी 2016 जिनका डाटा यहाँ पर लाइव था और जिनकी डिटेल यहाँ पर दी गई है, और जो कि लास्ट पे ड्रोन जो उनकी है रिटायरिंग पे स्केल, जो कि नोशनल पे फिक्सेशन में यूज होती है, जो कंप्यूटर डेटा मास्टर डेटा बेस के हिसाब से यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, उसकी हेल्प से रिवाइज कर दिया है विदाउट वेटिंग फॉर LPC कम डेटा सीट फ्रॉम दी हेड ऑफ़ दी ऑफिस। मतलब हेड ऑफ़ दी ऑफिस से LPC कम डेटा सीट का वेट किए बगैर ही कंप्यूटराइज मास्टर डेटा बेस पर जो अवेलेबल यहाँ पर आपकी पे स्केल थी, रिटायरिंग पे स्केल, लास्ट पे ड्रोन, उसके हिसाब से आपकी पेंशन को रिवाइज करके ये टेबल जारी कर दी गई है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरह चेक करेंगे कि आपका पेंशन यहाँ पर रिवाइज हुई है या नहीं। चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 11 AF एयरफोर्स के डाटा यहाँ पर चेक करेंगे। तो जैसे आप इस पे लिंक पर क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे हैं ये एयरफोर्स HO डिटेल दे रखी है पूरी, उनका एड्रेस दे रखा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये अपना ID है, आप इस ID के हिसाब से यहाँ पर जो HO नेम है उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। जो भी जैसे कि हम यहाँ पर चेक करें, 11007 AOC 7 विंग एयरफोर्स अम्बाला, अगर इनके लिए आप चेक करते हैं तो इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख पा रहे हैं AOC 7 विंग एयरफोर्स अम्बाला HO डिटेल निकल के आ जाएगी। यहाँ पर जो नंबर ऑफ PPO इश्यूड हुए हैं और जितने के क्लेम रिटर्न हुए हैं वो यहाँ पर शो कर रखा है, ये भी यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करेगा आपको। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको ओरिजिनल PPO और न्यू PPO नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस PPO नंबर के हिसाब से आप अपना न्यू PPO यहाँ पर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर पेंशन रिवाइज हुई है या फिर नहीं, अपना PPO नंबर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपनी जो भी जिस भी आप HO से रिलेटेड हैं आप उसके हिसाब से अपना चेक कर सकते हैं आपकी पेंशन यहाँ पर रिवाइज हुई है या फिर नहीं। जो लिस्ट में आपके जो लिस्ट दे रखी है PPO की, वहाँ पर आपके PPO इश्यूड हुए हैं या फिर नहीं। 3 अक्टूबर 2019 तक का लेटेस्ट अपडेट है। PCDA इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि यहाँ पर PCDApension.NIC.IN है, उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन नेम के हिसाब से। आप ये लिस्ट रखें, इस कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप संबंधित हैं, वहाँ पर आप क्लिक करें और जो हमने आपको प्रोसीजर बताया है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चेक कर लें कि आपका PPO इश्यूड हो चुका है या फिर नहीं। 7th CPC नोशनल पे फिक्सेशन का मेथड यूज करते हुए आपकी पेंशन
रिवाइज हो चुकी है या फिर नहीं। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।